Assalamu alaikum everyone. Today I'm here with you guys to discuss a very important and a very current issue on between two main countries, that is Pakistan and India. After the Kulbushan Yadav, that was very much, you know, expected that how they are going to kick back against that decision in which they actually not win in the international forum. रहा ही नहीं था कि वो यू नो कलभूषण में अभी बीच में भी एक डेवलपमेंट और हुई थी, इसके ऊपर मैं तरह नहीं जाऊँगी क्योंकि कलभूषण को हम पहले भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन ये जो कश्मीर का जो अभी एक मैटर हुआ है या कश्मीर के ऊपर जो इन्होंने आर्टिकल 370 ख़त्म किया है, वॉट इज आर्टिकल 370, क्योंकि मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड वेरी डोंट अंडरस्टैंड वॉट इज़ इट अबाउट, क्योंकि उनको ये तो पता है कि कश्मीर के खिलाफ कुछ हुआ है लेकिन ये नहीं पता कि वाकई क्या हुआ है और what are the real rights hidden in between the article 370 that is now deprived from you know Kashmirians, and why are the what are actually the you know plus points for the India to get those article to be deprived, to be cancelled and in their you know parliament. कर लेते हैं कि व्हाट डज दैट 370 आर्टिकल था क्या और उसके चेंज होने के बाद कंडीशंस कैसे चेंज होंगी. लाइक आर्टिकल 370 में कुछ पॉइंट्स बहुत ही ऐसे थे जो कि कश्मीरियों के राइट्स के ऊपर यू नो इम्फोसाइज करते थे. दैट इज़ कश्मीर लैंड के अंदर जो है वो कोई हिंदू या सिख जो है वो प्रॉपर्टी जो है ना वो बाय नहीं कर सकता, एंड देर वॉज नो एसेस काइंड ऑफ यू नो माइनॉरिटी का जो है ना वो कोई कॉन्सेप्ट अदा नहीं नज़र आता था. बट नाउ अगर वो डिप्राइव कर देते हैं तो जो है वो आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद नाउ द हिंदूज एंड सिख्स आर गोइंग टू बाय मोर एंड मोर प्रॉपर्टीज ओवर देयर. आफ्टर दैट हमारे पास कुछ जो है वो मैरिज लॉस थे जो कि यू नो सिटीजनशिप पे भी जो है वो असर करते थे कि लाइक अगर कोई वुमेन वहाँ पर शादी कर लेती है तो उसकी नेशनलिटी क्या चेंज होगी क्या नहीं चेंज होगी. इसी तरह हम हमारे पास यू नो फ्लैग का एक इशू है कि वहाँ पे जो फ्लैग कश्मीरी जो अपना उनका था वो अपना लेके चलते थे, अब जो है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करेगी वेदर दे आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट फ्लैग और नॉट, बिकॉज ऑफकोर्स मुझे पता है कि वो नहीं करने देंगे क्योंकि उनको ज़्यादा चिड़ जो है वो पाकिस्तान के फ्लैग से ही रहती है कि पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो कश्मीरीज यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म वी आर नॉट सपोज टू यू नो प्रूव दैट पॉइंट कि पाकिस्तानी फ्लैग्स को वो किस तरह से जो है वो यू नो एडमायर करते हैं या यूज़ करते हैं कश्मीरीज फॉर देयर फ्रीडम मूवमेंट. तो अब उस फ्लैग को भी उन्होंने कह दिया और मुझे पक्का पता है कि वो पार्लियामेंट में भी यही कहेंगे कि वो इंडिया ही फ्लैग जो है वो यूज़ करें. देन आरटीआई एक उनका एक और जो है यू नो एक लॉ है जिसके वो जो कि वो डिप्राइव हो जाएगा. आफ्टर दैट वुमेन के ऊपर जितने भी लॉज होते थे या फिर कोई भी लॉ जो होता था उसमें पंचायत सिस्टम के बजाय जो एक इस्लामिक रूल है उसको फॉलो किया जाता था. अब क्या होगा कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो अपने ज़्यादा लॉस होगा, ऐसी बात है अपने आप को शो करने के लिए कि दैट वी आर एक्चुअली यू नो इन द सेम कंट्री एंड यूनियन, तो वो क्या करेंगे कि वो अपना ही लॉ लाएंगे, अपने ही लॉज में से कुछ चीज़ें छांट कर उसमें रख देंगे. तो ये भी हो सकता है. आर्टिकल 370 जो है वो बना बहुत पहले ही था, लाइक पाकिस्तान बनने के वक्त में ही ये चीज़ें सामने आने लग गई थी जब पाकिस्तान कश्मीर और जब वो जो वॉर हुई और जो वो आधा हिस्सा इधर गया उधर गया, तो इस तरह से जो है वो आर्टिकल 370 का जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है आगे जो है वो आया. इन दैट मोदी ने जब अपनी इलेक्शन कैंपेन ली थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं जम्मू कश्मीर को दैट इज़ इंडिया होल कश्मीर जो है उसको वो ख़त्म करेंगे और उसको एक यूनियन में लेकर आएंगे, और ये बात बड़ी ही यू नो नोन थी कि ये होगा. लेकिन कब होगा, जैसे हमारे शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि वी नो दैट दे आर गोइंग टू डू सम हाउ एंड एनी अदर डे, बट इतनी जल्दी कर देंगे ये नहीं मालूम था, क्योंकि उनको पता था कि कहाँ 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 वो जो है यू नो लॉस कर रहे हैं और
कहाँ वो ये काम करने के बाद जो है वो अचानक से जो है वो चीज़ें अपने फेवर में ला, यू नो उससे क्या होता है, हमें पता है इंडिया हेल्प जो है वो कर चुका है कश्मीर को, या हमारे पास तो टू कश्मीर हैं या टू यू नो कंट्रीज़ हैं, हम वी नो दैट के एक कंट्री के दो स्प्लिट्स हुए हैं, तो वट डज़ इट मैटर, दिस जो लोगों को नहीं समझ में आने के बाद, जैसे हम अपनी पाकिस्तान की मैं मिसाल देती हूँ, जब हम पाकिस्तान की जो है बात करते हैं सूबों की, तो हम कहते हैं वी हैव फोर प्रोविंसेस, नाउ गिलगित बल्तिस्तान को भी हम मिला चुके हैं, तो फोर प्रोविंसेस हम बढ़ते हैं या फाइव प्रोविंसेस हम कहते हैं, तो हम इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर है या आज़ाद कश्मीर है उसके बारे में हम क्यों नहीं बात करते हैं, क्यों, क्योंकि यूनियन यू नो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू भी हमारे पास एक लॉ आता है, हमारे पास एक लॉ है कि अगर इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया तो हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इसराइल एंड फ़लस्तीन का मामला जिस हिसाब से हुआ था, ये जो जितना भी यू नो डिसीजन है, इट इज़ एज सेम, इट इज़ अ रिप्लिकेट, आई थिंक इट्स अ रेप्लिकेट ऑफ दैट इसराइल टैक्टिक्स अगेंस्ट फ़लस्तीन, बिकॉज दे डिड दैट वेरी सेम वे, एंड इंडिया इज़ एक्चुअली यू नो रेप्लिकेट दैट डिसीजन ऑफ द इसराइल ओवर द कश्मीर, बिकॉज दे वॉन्ट टू शो दैम कि देखो ये हमारा हिस्सा हो गया, अब वो लद्दाख को भी अपना हिस्सा बना चुके हैं और कह रहे हैं कि ये हमारा हिस्सा है ना, जो है ना वो अब कहते हैं कि हम आगे चढ़ाई कर लेंगे क्योंकि वो कश्मीर हमारा है, तो अब जो तुम्हारा आज़ाद है वो उसके लिए, क्योंकि आपने देखा होगा जंग वाला जो ये फिजा जो बार बार कायम की जा रहा है, तो इस डिसीजन से पहले पहले फॉर श्योर इंडिया कोशिश करेगा कि वो डेमोग्राफिकली जो एक यू नो माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी का मुस्लिम एंड हिंदूज का जो रेशो है उसको कम्प्लीट करने की ज़रूर कोशिश करेगा, कि अगर आगे जाके कभी रेफरेंडम भी होता है तो उसके अंदर हिंदू ज़्यादा हो जाए और मुस्लिम कम हो जाए, तो इस चीज़ को भी हमें कंसिडर करने की भी ज़रूरत है। ये कह रहे हैं कि वहाँ के जो सदर हैं, वहाँ के जो महबूबा खान हैं, वो खुद कह रही हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमें इंडिया इतना बड़ा धोखा देगा, यू नो जो कश्मीरीज हैं वो एक्चुअली कह रहे हैं कि ये धोखा है हमारे साथ, और हम इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कि आपका आज़ाद कश्मीर का सदर कह रहा है, क्योंकि अब जो है वहाँ पर कोई सदर वगैरह नहीं होगा, वहाँ का सदर कह रहा है कि हमारे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की गई है, हमें तो पता ही नहीं था कि इंडिया हमारे साथ ये गेम खेलने वाला है, तो we have to use all our you know soft corners, मैं आपको बोलूँ कि जो हमारे जंग है वो हमारी हार्ड कॉर्नर है, हम वॉर की तरफ जाते हैं दैट इज़ आर हार्ड कॉर्नर्स, सॉफ्ट कॉर्नर्स को यूज़ करना है दैट इज़ आर डिप्लोमेसी, दैट इज़ आर फॉरन पॉलिसी, दैट इज़ आर फॉरन अफेयर्स, कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आफ्टर यू नो आफ्टर द ये टेररिज्म की वॉर के बाद बहुत एक अलग यू नो उस पर उभरा है, और वो अपने आप को प्रूव कर रहा है कि देखो हमारी कंट्री में अब बहुत चेंज है, तो हम किस तरह से जो है वो कर सकते हैं, और अगर हम अब एक फॉर श्योर एक मीडिएटर बीच में आने वाला है, देखिएगा कि या तो वो अमेरिकन होंगे, क्योंकि हम एज अ मीडिएटर जो है वो अमेरिकन को भी बुला चुके हैं, और इमरान खान जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी ये कह चुके हैं कि हम इसको इंटरनेशनल फोरम पे उठाने वाले हैं, इंटरनेशनल फॉरम्स में अगर हम उठाएंगे तो जाहिर सी बात है अगर यूनाइटेड नेशन का एक लॉ है तो उसके ऊपर ज़रूर डिस्कशन आएगी, हमें क्या ज़रूरत है करने की, हमें ज़रूरत है अपनी डिप्लोमेटिक यू नो रिलेशंस को, अपने डिप्लोमेटिक यू नो टैक्टिक्स को यूज़ करने की, जहाँ इसको अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस चीज़ में जो है वो डिप्राइव्ड होता है, पीछे रह जाता है कहीं ना कहीं, हमें ज़रूरत है अपने हर उस कंट्री से रिएक्शन लेने की जो कि यू नो इंटरनेशनली गेम्स में जो है वो इन्वॉल्व हैं, लाइक हमें चाहिए कि हमें तुर्की से ले, हमें अमेरिका से चाहिए, हमें ब्रिटिश लोगों से भी चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे ऊपर एक तरीके से रूल करके गए, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें ऐसा रिएक्शन, हमें ऐसा एक तरीके से रिएक्शन ज़रूर मिले, वॉर है वो बहुत मुश्किल है, ये बहुत दूर की बात है कि यहाँ पे वॉर होगी, लाइक अभी कल मैं भी वीडियो बनाने के लिए इसलिए वेट किया क्योंकि मैं चाहती थी व्हाट्स अ पाकिस्तान रिएक्शन, पाकिस्तान का रिएक्शन क्या है, पाकिस्तान रियली वांटेड टू वॉर, यस आर डिफेंस आर सेइंग कि वी आर गोइंग टू बी रेडी फॉर दैट, अगर आप कहते हैं बिकॉज दैट्स वेरी कॉमन, अगर आप कहेंगे कि मैं तुम पे दो पत्थर मारूंगा तो मेरा सिक्योरिटी गार्ड ये कहेगा कि तुम मुझे पत्थर मारोगे तो मैं तुम्हें जो है दो गोली मारूंगा, तो ये बात तो आपको बहुत ही कॉमन है, लाइक आर्मी जो है आपकी यही कहेगी,
what our political leaders are saying. मुझे बहुत ही childish वो behavior लगा शहबाज शरीफ का कि आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, अब क्या करना है, like आप मुझे बता दें कि आपको क्या करना है, क्योंकि मोदी को तो आपने ही अपने घर में invited किया था personally. तो अगर आप ये कहते हैं कि आपने reaction नहीं दिया internationally, तो ये बात बहुत ही childish है. अभी जो हमें चाहिए वो है हमारा diplomatic and foreign relations. अगर वो अच्छे से नहीं निकल पाए तो यू नो हो सकता है कि हमारे लिए जो है वो कुछ गलत सिचुएशन भी क्रिएट हो जाए, क्योंकि सब ये कह देना कि हम तो जंग लड़ सकते हैं इस यू नो अब डिप्लोमेसी से ज़्यादातर काम होता है. आपने देखा होगा कि कितनी लड़ाइयाँ जो हैं वो जस्ट पीक पे जाके नॉर्थ कोरिया अमेरिका लड़ने वाले होते हैं, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया आपस में लड़ने वाले होते हैं, या यू नो ईरान एंड अमेरिका लड़ने वाले होते हैं. लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अब बहुत डिफरेंट है, अब सिनारियोज बहुत डिफरेंट है. अनलाइक सब जो है उनको पता है कि हमें यू नो अब इकोनॉमिकली जंग लड़नी है, हमें जो है वो वॉर की तरफ नहीं जाना है. तो इस वॉर को भी हमें जो है वो डिप्लोमेटिकली जो है वो रिजॉल्व करना होगा. वी हैव टू थिंक अबाउट आर यू नो मीडियम्स टू बी यूज्ड इन दैट सिचुएशन, कि हम किस तरह से जो है वो इसको यूज़ में लेकर आते हैं. जवाबी यू नो कार्रवाई देना या जवाबी लफ्ज़ों के तीर मारने से शायद अगर कोई काम होता है, हाँ तो चले कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है. यू नो अनारकली बन जाने से शहबाज शरीफ के जो है वो बहुत अच्छा काम नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आपने ही बहुत सारे यू नो प्लेटफॉर्म्स में अपने आप को नीचे दिखाया है. अब अगर कोई वाइजली जो है वो यू नो स्टेप्स लिए जाते हैं तो उसमें टाइम होता है. कुछ लोगों के ट्वीट्स मैंने पढ़े जिसके अंदर लिखा हुआ था कि इमरान खान पहले भी ये बात कह चुके हैं, इट डजंट मैटर, इमरान खान की अपनी सोच क्या है, इट विल नॉट वर्क. यू नो अब सिचुएशन, आप जब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो, यू हैव टू थिंक अबाउट योर कंट्री फॉरेन पॉलिसी, योर कंट्रीज आर्मी, योर कंट्रीज डिफेंस सिस्टम, योर कंट्रीज सिक्योरिटी सिस्टम एंड सोवरेनिटी सिस्टम एज वेल, के वो क्या मायने करते हैं. यू नो अगर वो कुछ कह चुके हैं या पहले उनका यू नो ओपिनियन इस तरह से रहा भी हुआ हो तो वो बेटर नहीं करता, क्योंकि उनको डिसीजन अब पाकिस्तान के लिए लेना है, उनको डिसीजन पीटीआई के लिए नहीं लेना. तो मेरे हिसाब से सारे फॉरेन यू नो प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने की ज़रूरत है. हमें अपने मिडिल ईस्ट और यू नो इस्लामिक कंट्रीज़ को एक तरफ करने की भी ज़रूरत है, ताकि क्योंकि ये एक तरीके से इस्लामिक यू नो मुस्लिम्स के जो है वो राइट्स के ऊपर भी जो है वो खुली जो है वो एक तरीके से यू नो दहशतगर्दी की गई है, क्योंकि कश्मीरियों के जो सपोर्ट करते थे वेरी 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 स्ट्रेंज, क्योंकि आपने अभी मैं आपको कुछ ट्वीट्स भी दिखा दूँगी, बहुत सारे इंटरनेशनल जो है यू नो जर्नलिस्ट जो हैं वो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इट इज़ वेरी सरप्राइज कि कश्मीरियों का ये डिसीजन हो रहा था, कश्मीरियों को ये पता भी नहीं था. जिनकी आप राइट्स के लिए बात करते हैं, हम तो राइट्स के लिए बात करते हैं ना कश्मीरियों की, हम तो कहते हैं कि भाई कश्मीरियों से पूछो. Class, if you like my video and understand what I really wanted you guys to know about this article, this law, so please like the video and share this video with your friends and subscribe me also.